गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के लिए एक गुडलक यंत्र और मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। इस यंत्र को लक्ष्मी कवच यंत्र भी कहते हैं। इस यंत्र के कुछ लाभ है वह मैं आपको बताती हूँ। यह यंत्र ऐश्वर्य, सुख शांति, धन दौलत, प्रॉपर्टी, इस सभी कामों के लिए फायदेमंद है। इस यंत्र से धन प्राप्ति होकर ऋण लेन देन और पैसे के संबंधित व्यवहार के लिए शुभ माना जाता है। नौकरी में बढ़ोतरी मिलकर वेतन में वृद्धि होती है और व्यवसाय में भी अच्छी धन प्राप्ति होती है। इस यंत्र से आर्थिक नुकसान होने की संभावना टल जाती है और गलत फैसलों से बचाया जा सकता है। अब मैं आपको यंत्र बनाने की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। यंत्र बनाने की विधि अत्यंत आसान और सरल है। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है तो आपको यह यंत्र बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। मित्रों, हमने हमारी साइट पर कई साल पहले यह यंत्र प्रकाशित किया था और इसका लाभ हमारे बहुत सारे वाचकों को हुआ है। यंत्र इस प्रकार से बनाना है। यह यंत्र बनाने के लिए आपको एक भोजपत्र या सफ़ेद रंग का कागज लेकर अष्टगंध की पेस्ट से एक नुकीले अनार के पेड़ की लकड़ी से यह यंत्र लिखना है। नमूने के तौर पर मैंने यह सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही से बनाया है, लेकिन आपको भोजपत्र पर या सफ़ेद कागज पर अष्टगंध की पेस्ट से यह यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के लिए मैंने एक स्क्वायर निकाला है, उसके अंदर छोटे 9 स्क्वायर बनाए हैं और उसमें कुछ अंक लिखे हैं। अंक तो मैंने अंग्रेज़ी में लिखे हैं, लेकिन आप चाहे तो अपनी मातृभाषा में या हिंदी में भी लिख सकते हो। अब वह अंक मैं आपको बताने जा रही हूँ। 4 9 2 3 5 7 8 1 और 6। यंत्र बनाने के बाद आपको यंत्र के सामने असली घी का दिया लगाना है, फिर धूप या अगरबत्ती प्रज्वलित करनी है और कुछ सुगंधित फूल अर्पित करके जो मैंने आगे मंत्र बताया है उसका 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम एम क्लीम श्रीम, फिर से सुनिए। ओम एम क्लीम श्रीम। ऐसा करने से यंत्र मंत्र की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाता है। इसके बाद आपको इस यंत्र को अच्छी तरह से फोल्ड करके धातु या कपड़े के तावीज़ में डालकर अपने गले में धारण करना है।
अगर आप चाहे तो इस यंत्र को लैमिनेट करके अपने जेब में या बटुए में रख सकते हो। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।